और दुखड़ा सब भूलगी राम रतन धन। परमात्मा की प्राप्ति के बाद फिर कोई पाने की चाहना नहीं रहती है, सब मिल गया। उनकी प्राप्ति का आनंद कैसा, मौज कैसी, खुशी कैसी है अनुमान बताना भाई बहन, वो वाणी का विषय नहीं है। वाणी के द्वारा उनका हम बखान नहीं कर सकते, केवल विशेषण दिया। पुरुष वेदई खेले वारण, परमात्मा राम जी सदा अपने दिल दरवाजे ही विराजमान है, वो अपने से दूर नहीं है। गूंगे मन सपनों भयो समझ समझ मुस्कुरा, गूंगा गु सुपना आवे, सुपना के अंदर कोई मिट्टी वस्तु खा लेवे, अब उनका वो बखान कर तो कैसे करे। मन ही मन में मुस्कुराता है, खुश होता, प्रसन्न होता है, बस इतना ही। क्योंकि बखान करने की उनके पास में वाणी नहीं, वो गूंगा है भाई। तो परमात्मा की प्राप्ति का ऐसा उनका अनुमान बताया है, उनकी वही जाने दुजाने जाने को केवल विशेषण दिया है। और सकी सब धोबड़ी तू क्यों भाई रंग लाल, अविनाशी सहज में फैल तो हो गई गया। और सब उदास है तुम खुश क्यों हो, तो बोले खुशी इस बात की है हमारा प्रीतम मिल गया है, हमारा प्यारा मिल गया है, उनकी सेज में मैं खेल करके न्याल हो गई। तो बोले उनकी सेज का सुख कैसा है, आनंद कैसा बताओ ना। बड़ा सुंदर प्रसंग है भाई बहन, अविनाशी सेज का क्या वो कैसा अनुमान बताओ, उनको सुख कैसा था, आनंद कैसा था। बोले कहने की शोभा नहीं पर इशारा करिया, जिनको वो मिला है उनकी शोभा वही जाने। वाणी के द्वारा दूसरों को हम नहीं बता सकते। सदगुरु कबीर साहब ने संकेत किया है, परिणियारी गम परिणी जाने, क्या जाने रे कमारी बात। जो ससुराल गई है ससुराल की महिमा को वही जानती है, जो माँ बाप के घर बैठी उनको क्या बतावा। जो गुरु महाराज की शरण गए हैं उनकी बताई हुई जो साधना की भजन किया है उनको पता है, बाकी जो लोग कमा रहे हैं अभी तक उनको क्या बता। प्रश्न पर ध्यान देना है, जब तक सदगुरु की शरण न गए, जब तक सुध शब्द का योग नहीं हो तब तक हम कमा रहे हैं भाई। प्रश्न पर ध्यान देना, बड़ा सुंदर प्रसंग है अविनाशी सेज का, वो कैसा अनुमान। कहने रही शोभा नहीं परिचारा परिहान, क्या कहूं उनकी शोभा, क्या गाऊं उनका बखान। जितनी महिमा करो उतना ही पर थोड़ी है, जितनी प्रशंसा करो उतना ही आनंद होता है, उतना ही हर्ष होता है। गाया है महापुरुषों ने, जो
जब तक रही में कन्या कुमारी, जब तक रही में कन्या, तब मेरे कर में होता सिर भारी, तब मेरे कर में होता। जब मैं रही थी कन्या कुमारी, गाइए, तब मेरे कर में होता सिर भारी, तब मेरे कर में होता सिर। हूँ मैं पिया जीरी माता क्या के, हूँ मैं पीवे जो के सो अंग सो आता, जो के सो अंग सो। जब मेरे पीवे से मन जा दौड़ी, जब मेरे पीवे से मन, सदगुरु आन सगाई जोड़ी, सदगुरु आई सगाई। जब मेरे पीवे से मन जा दौड़ी, गाइए, सदगुरु आई सगाई जोड़ी, सदगुरु आई सगाई। क्या कहूँ मेरे पीवे गिरी माता, क्या कहूँ जो कहूँ सोई अंग सवाता, जो कहूँ सोई अंग। पीवे का मंगल गाया, जब मेरा पीवे का, जब मेरा पिया परणी जन आया, जब मेरा पिया परणी जन, जब मेरा पीवे का मंगल गाया, जब मेरा पीवे का मंग, जब मेरा पिया परणी जन आया, जब मेरा पिया परणी। क्या कहूँ मेरे पीवे गिरी माता, गाइए, जो कहूँ सो अंग सो आता। हतले वो बेटी संगा, ये हतले वो बेटी, तब मोये पियो लिनी बाये अंगा, तब मोये पियो लिनी बाये। ये हतले वो बेटी संगा, गाइए, तब मोये पियो लिनी बाये अंगा, तब मैं पियो लिनी बाए। क्या कहूँ मेरे पीवे जीरी माता, क्या कहूँ मेरे पिया जी, जो कहूँ सो अंग सो आता, जो कहूँ सो अंग सो जन दरिया के मिट गई तूती, जन दरिया आप अर्फ पिया संग सूती, आप अर्फ पिया संग। जन दरिया के मिट गई तूती, जन दरिया के आप अर्फ पिया संग सूती,
आप अर्घ पिया क्या के मेरे पिया गिरी माता क्या के मेरे पिया जो के सोई अंग सुता जो के सोई अंग क्या के मेरे पिया गिरी माता क्या के जो के सोई अंग सुता जो के सोई अंग गुरुदेव जी महाराज। अपने भागी की सराहना करो भाई बहनों, जीवन में ऐसा सत्संग दुर्लभ है। सुरत शब्द के योग का प्रसंग है, सुरत ही वो कन्या है, शब्द ही कन्या का घर है। प्रशंसा ध्यान देना है, आत्मा ही वो कन्या है, परमात्मा ही घर है। कन्या और वर का एकता जो है, करने वाले बीपर होते ब्राह्मण होते हैं। लौकिक में देखो जो शादी होती है तो बीपर के माध्यम से होती है। दूल्हा और दूल्ही की एकता बीपर करता है, दोनों की ग्रंथि वो जोड़ता है। ऐसे भाई बहनों, सुर शब्द का योग जो है, इनकी एकता है, गुरु विपर के द्वारा ही होता है। क्या कहूं मेरे पियाजी की बाता जो कहूं सो अंग सुहाता बिरती आत्मा कहती उस परमात्मा पे कि मैं क्या महिमा कहूं क्या उनकी शोभा गाऊं गुरु में क्या कीर्ति तुम्हारी तुम ओटो दाता मैं आपकी कहां तक कीर्ति करूं कहां तक महिमा करूं। सेंस जी के सेंस मुख थे, सेंस मुख में दो दो जीवा उस परमात्मा की कीर्ति करते करते वो भी मौन भय वो भी थक गए। इतनी उनकी महिमा है। क्या कहूं मेरे पिव जी की बात, आप हम सब आत्मा नारी हैं, अपना परमात्मा ही अपना संसार पति पुरुष है और उनके साथ संबंध कराने वाले गुरुदेव ही पर है। जब मैं रही थी कन्या कुमारी तब मेरे होता कर्म सिर भारी। प्रश्न पर ध्यान देना, जब तक कन्या कुमारी होती है किसी पुरुष के साथ में उनका माता पिता संबंध नहीं कर देते हैं तब तक उनकी वृत्ति में चंचलता रहती है। अनेक पुरुषों का वो ध्यान करती है, अमुक पति मिले ऐसा पति मिले ऐसा वो सोचती रहती है। पर जब उनके पिता एक किसी के साथ में संबंध जोड़ देता है फिर उनकी वृत्ति धीर हो जाती है। ऐसे भाई मेरो, जब तक सदगुरु विपर नहीं मिले तब तक ये हम कमारे रहे। अनेक आन पूजा में वृत्ति भटकती रहती, अनेक पूजा करती, अनेक की आन की उपासना करती, आन पूजा से पाप लगता है महाराज। आन पूजा करना ये बविचार माना गया है हमारे गुरु धर्म के सिद्धांत से। प्रसंग पर ध्यान देना, जो केवल परमात्मा की उपासना केवल गुरु धर्म का पालन केवल भजन करना यही पतिव्रत धर्म है और उस परमात्मा को छोड़कर के अहन की पूजा करते हैं वो बविचारी माने गए हैं। गाया है, राम भजे पतिवर ताहा नारी आन पूजे जके बविचारी राम भजे पतिवर ताहा नारी आन पूजे जगे ब्रह्मचारी आन पूजे जगे ब्रह्मचारी श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय
भजे पति वरदा नारी, आन पूजे जगे ब्रह्मचारी। राम भजे पति वरदा नारी, आन पूजे जगे ब्रह्मचारी। आन पूजे जगे राम। गुरुदेव जी महाराज राम भजे पतिव्रता नारी। प्रश्न पर ध्यान देना, जो केवल अपना परमात्मा की पूजा उपासना करता है, जिस परमात्मा ने अपने को पैदा किया, अपने को बनाया है, अपना निर्वाण अपना सृजन किया है और फिर सृजन करके ऐसे छोड़ नहीं दिया है, सदा अपनी रक्षा भी करता है, अपना पोषण वही करता है। हरि संग प्यारा प्यारा कोई नहीं, समझ संभालो राम। जीवतड़ा रक्षा करे मुआल जावे धाम, उस परमात्मा की पूजा करे वही पतिव्रता नारी। राम भजे पतिव्रता नारी और आन पूजे जगे बभिचारी। भाई बहन यहां बताया है, जब तक मैं रही थी कन्या रे कुमारी, तब मेरे कर में होता सिर भार। कि मैं अनेक आन की पूजा करती, आन में हमारी जो उपासना थी तो उनकी पूजा करने से पाप वो व्यभिचार होता है। पर सदगुरु भी पर मिले दयालु, जब मैं पीव से मन चा दौड़ी, सदगुरु आये सगाई जोड़ी। जब मेरा पीव से मन चा दौड़ी, सदगुरु आये सगाई जो। बोलो राम जी महाराज। जब परमात्मा से मिलने की जिज्ञासा बही, लगन लगी, तब सदगुरु मेहर कृपा करके फिर सुरत और शब्द की संधि शब्द शब्द का योग किया। सदगुरु आन सगाई जोड़ी, सुरत शब्द का योग जो है, एकता जो है, वो गुरु कृपा से ही होती है। उनकी बताई विधि से हम साधन करे भजन करे, तब उनकी एकता उनका योग होता है। सास उसहस राम लिव लाओ, सुरत शब्द मन पावन मिलाओ। ये उनकी विधि है भाई साधन। जन दरिया के मिट गई दोती, आप यार पे पिया संग सो। बोलो राम जी महाराज। दूती कहते हैं द्वेत भाव, हमारा द्वेत भाव मिट गया, अद्वेत भाव हो गया, अब तो एक ही एक निजर आता है। आपो अरब अपना एम भाव है, जीव भाव है, वो मिट गया, शिव भाव हो गया, एकता हो गई। अब तो जहां देखो वहां हमारा प्रीतम ही प्रीतम है। पानी मई पेश के देखे दृष्टि उगाड़, जला बिंब ही भरिया ऐसा ब्रह्म विचार। बोलो राम जी महाराज। अरे बहनो, जब सुरत शब्द का योग हो जाता है, सुरत शब्द में गर्क हो जाती है, तो सब और परमात्मा ही नजर आता है, और कुछ नहीं। जैसे प्रसंग दिया, पानी में है पैसे के, जल के भीतर में जाकर के, अंदर में जाकर के आंख खोले तो क्या नजर आएंगे, जल ही जल और कुछ नहीं। ऐसे ही जब शुद्ध शब्द का योग होता है तो सब में अपना परमात्मा ही दिखाई देता है, सब में वही है। मुझे मेरा मैं तुझे मेरा सब मेरा समाया है, कर लो सभी से प्रेम जगत में कोई ही नहीं पराया है। मुझे गाइए कर लो सभी से प्रेम जगत में कोई ही नहीं पराया है, मुझे मेरा मैं तुझे। तुझे मेरा
सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्रेम जगत में कोई नाही पराया है। मुझ में गाइए सभी से प्रेम जगत में कोई नाही पराया है। मुझ में गाइए सभी से प्रेम जगत में कोई नाही पराया है। मुझ में जय हो मुझ में राम तुझ मेरा सब में राम समाया सभी से प्रेम जगत में कोई नाही पराया है। मुझ में